हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे डुअल कलर एक्सपोजर की, जिसको मैंने फोटोपिया में बनाया है, जो कि एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है और इसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं और ये काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट है देखने में। हो सकता है कि एक बार देख के आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लगे, बट इसको बहुत ही सिंपल स्टेप्स में आप अचीव कर सकते हो। तो बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने दो इमेजेस लिए हैं अनस्प्लैश से, जो आप भी ले सकते हो। अनस्प्लैश एक फ्री स्टॉक रिपोजिटरी है जो कि ऑनलाइन है। इसका लिंक मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब के जो हमारा डिस्क्रिप्शन है उसमें ऐड कर दूंगा। ओके, तो ये वो दो इमेज हैं और जो हम बनाने वाले हैं वो कुछ ऐसा इफेक्ट होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक आर्ट बोर्ड क्रिएट करेंगे। आर्टबोर्ड के अंदर क्योंकि ये जो इफ़ेक्ट है इसको आप अपने इमेजेस के लिए भी यूज़ कर सकते हो, जो आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकते हो, मे बी स्टोरीज में, या हो सकता है कि आप रील्स में इसको इस्तेमाल कर सकते हो। इसलिए जो डाइमेंशंस मैंने लिए हैं वो है 1080 एंड 1920। तो ये 1080 है एंड 1920 है। हम एक इसको नाम दे देंगे फाइल को, जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर पाए। देन हम जो DPI है उसको 72 रखेंगे, क्योंकि ये ऑनलाइन यूसेज के लिए है। देन हमें मेक श्योर करना है कि जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट रहे। देन हम क्रिएट करेंगे। उसके बाद हमें इन दोनों इमेजेस को मूव करना है अपने आर्टबोर्ड पे, जो सिंपली आप ड्रैग करके मूव कर सकते हो। देन आपको इस इमेज को एनलार्ज करना होगा, जिससे कि ये पूरे आर्टबोर्ड में फिट हो जाए। तो मैं इसको एनलार्ज करूँगा। मेक श्योर कि आपको शिफ्ट बटन दबा के रखना है, नहीं तो ये इमेज स्ट्रेच हो जाएगी जैसे आप देख रहे हो। तो शिफ्ट के साथ जब आप इसको एनलार्ज करोगे तो ये स्ट्रेच नहीं होगी। तो ये हमारी एक इमेज आ गई। देन हम दूसरी इमेज को लेके आते हैं। ये हमारी दूसरी इमेज है और इस दूसरी इमेज को भी हम एनलार्ज करेंगे जैसे हमने पहली इमेज को किया। और क्योंकि डुअल एक्सपोजर के अंदर हमें कुछ इस तरीके का इफेक्ट बनाना है जिसमें फेस का रेशियो ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो उसको करने के लिए हम ओपेसिटी लेयर पैनल के अंदर ओपेसिटी को डिक्रीज करेंगे। देन हम इस वाले लेयर को नीचे लेके जाएंगे और देन इसको भी डिक्रीज करके देन हम इसको पहले एडजस्ट करेंगे, जिससे कि हमारी जो इमेजेस की प्लेसमेंट है वो कुछ कुछ ऐसी हो जाए। तो अभी हम देख रहे हैं ये इमेज छोटी लग रही है और ये बड़ी लग रही है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और देन शिफ्ट के साथ थोड़ा सा और इंक्रीज करेंगे। अब ये ऑलमोस्ट सिमिलर है। अब वापस से जाके हमें लेयर सेलेक्ट करके 100 करना है, देन दूसरे लेयर को भी सेलेक्ट करके 100 करना है। अब हमारी दोनों इमेजेस इस लेयर पे आ गई है, तो आपको सिंपली लेयर पे क्लिक करना है और कहीं भी लेयर के इस तरफ जाके आप डबल क्लिक करोगे, देन ये पैनल खुल के आएगा। ब्लेंडिंग ऑप्शन के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे RGB चैनल है। आपको सिंपली G और B चैनल को बंद कर देना है। अब हम देख सकते हैं कि हमने काफी हद तक जो इफेक्ट है उसको अचीव कर लिया है। तो अब बारी है थोड़ा सा इसको टचअप करने की, जैसे हम इसमें देख रहे हैं। और ये ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर हमने एडिशनल सेलेक्टिव कलर का लेयर लगाया है और लेवल लगाया है। तो हम इसको क्लिक करके देखेंगे कि हमने यहाँ पे क्या किया है। तो सेलेक्टिव कलर में हमने सियान चैनल के अंदर 70 मैजेंटा एंड 25 येलो रखा है, और लेवल के अंदर हमने ब्लू चैनल में शैडो को थोड़ा सा डिक्रीज किया है। तो यही चीज हम वहां पे रेप्लिकेट करेंगे जो हमारा आर्टबोर्ड है। तो सबसे पहले हम जाएंगे लेयर पैनल के बॉटम में, ये जो आइकन है इस पे आप क्लिक करोगे
यहाँ पे आपको सेलेक्टिव कलर दिखेगा। सेलेक्टिव कलर के अंदर आपको सियान चैनल सेलेक्ट करना है, मेक श्योर कि सियान चैनल पे हो आप। एंड देन यहाँ पे आपको करना है 70 और यहाँ पे करना है 25। देन आपको दोबारा से उसी पे जाना है और यहाँ से आपको लेवल सेलेक्ट करना है। लेवल के अंदर ब्लू चैनल को सेलेक्ट करना है और इसको आपको डिक्रीज करना है। और हमने काफ़ी हद तक जो हमारा फाइनल रिजल्ट है उसको अचीव कर लिया है। अब हमें क्या करना है, ये जो टेक्स्ट है इसको हम वहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं, बट क्योंकि ये ट्यूटोरियल है आप लोग इसको खुद से ट्राई करना, तो मैं इसको डुप्लीकेट करके मूव कर लूँगा जिससे कि हमारा टाइम बचे। और ये हमारा फाइनल रिजल्ट है।